बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ फैज़ान मलिक योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो है हम केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर एक और न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। प्रीवियस टॉपिक जो था आप लोगों ने स्टोइकोमेट्री के हवाले से पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर आप सब लोगों ने अच्छे से सुन लिया होगा, उसको तैयार कर लिया होगा। अब स्टोइकोमेट्री के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे कहा था कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जब आप लोगों की फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगी तो उस टाइम पर हम एग्जाम्पल्स जो हैं उनको कर लेंगे, साथ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो अभी के लिए आप लोग जस्ट अपना टॉपिक जो है उसको अच्छी तरह से समझें, उस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करें, एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। इसके टॉपिक के नाम से जाहिर हो रहा है कि एक तो ये रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक इक्वेशन की जो है वो जो एरो होता है उसकी लेफ्ट साइड पर जो चीज़ होती है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड पर होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स कौन से होंगे आपके लेफ्ट साइड वाले, जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें ये एक एरो है, एरो के एक कुछ चीज़ें इधर हैं, कुछ चीज़ें एरो के इस साइड पर हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी प्रोडक्ट्स कहलाएंगी और ये चीज़ें आपकी कहलाएंगी रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन के अंदर कितने रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर। अब हमने क्या देखना है इसके अंदर, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिट एक हद होती है, महदूद चीज़, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा जो महदूद होगा, ठीक है, जो लामहदूद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन है इसके अंदर भी एक ऐसा रिएक्टेंट है जो महदूद है और दूसरा लामहदूद है, ठीक है। तो महदूद चीज़ आपको पता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट या अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसा रिएक्टेंट जो कंज्यूम यानी इस्तेमाल हो जाता है फर्स्ट, पहले इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में के दौरान, उसको क्या कहते हैं आप लोग, लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी दो किस्म के रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से पहले जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा उसको आप क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो आपकी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट कितनी बननी है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाली प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, उसको आप क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये सारी बातें अभी हम डिटेल से देखेंगे। रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है उसको क्या कहते हैं आप लोग, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये तीन डिफरेंट डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी, तीनों सेम डेफिनेशंस हैं, मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ अंदाज़े बयान है इनका। तो हमारे पास फर्ज करें एक केमिकल रिएक्शन है, जैसा कि आप लोगों ने एक शरबत बनाना है, ठीक है। अब शरबत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, फर्ज कर लें आपने लीमू की शिकंजी बनानी है, ठीक है, लीमू पानी बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, लीमू चाहिए, आपको चीनी चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, साथ में पानी चाहिए, ठीक है। अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके पास बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी, वो क्या होगा, पानी। पानी आप जितना मर्जी ले लें, ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं पड़ने उसके, ठीक है। अगर आपके घर में नहीं है, आप बाहर जाएं, कहीं से भी आप नल का लगा हुआ होगा, कहीं भी टूटी होगी, आप वहाँ से पानी जितना मर्जी भर लें, ऐसा ही होता है ना। लेकिन चीनी जो है वो आपको पैसों से मिलेगी, लीमू भी आपको पैसों से मिलेंगे और नमक भी आपको पैसों से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, चीनी, लीमू और नमक। ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर ये तीन चीज़ें जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक ड्रम पानी का भर लाते हैं, पूरा एक ड्रम, आपके पास चीनी है आधा किलो, लीमू आपके पास एक पाव है, नमक आपके पास दो से तीन चमचे हैं, ठीक है। तो क्या आप पूरा वो ड्रम शिकंजी का बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। अगर वो बनेगी तो उसके अंदर कोई किसी किस्म का टेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं बाकी तीन वो उतनी मिकदार में नहीं है जितनी मिकदार में पानी है। तो इस सूरत में पानी आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा और जो आपके पास बाकी तीन चीज़ें हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएंगी।
अब हमने क्या पढ़ा था, जो पहले कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। अब सारा ड्रम तो आपने पानी का नहीं लिया ना, आपने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर चीनी वो जितनी भी लीमू थे नमक मिक्स कर दिया, आपके पास शिकंजी तैयार हो गई। अब बाकी पानी तो आपके पास पड़े, अगर आप पानी उसके अंदर डालें तो क्या आपके पास शिकंजी या चीनी या लीमू वगैरह हैं और उसके अंदर डालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी, ठीक है। जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक और सिंपल से एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो ये है कि आप जब लकड़ी जलाते हैं, कोई भी जलने का प्रोसेस है मैंने आपको बताया था, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। अगर आपके पास एक लकड़ी है, ठीक है, वो कब तक जलेगी? वो तब तक जलेगी जब तक वो सारी जल नहीं जाती, ठीक है। तो लकड़ी के जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन आपके पास वाफर मकदार में है, ठीक है। तो ये जलने का अमल तब तक होता रहेगा जब तक आपकी लकड़ी ख़त्म नहीं होती, ऑक्सीजन तो आपके पास है ही है, ठीक है। तो लकड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले 2 मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, 2 मोल्स ऑक्सीजन के हैं, और क्या बन रहा है आपके पास, 2 मोल्स पानी बन रहा है। अब हमने देखना है इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अभी देखें, अगर हम मैस की बात करें तो 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन, टोटल 64 ग्राम ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैस 32 ग्राम होता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 2 मोल्स हैं, तो इनका मैस हो जाएगा आपके पास 64 ग्राम्स। पानी आपके पास कितना बन रहा है, 2H2O, 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर का मैस कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 + 4 = 36, 36 ग्राम पानी। यानी हमने स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या पढ़ा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, कि 64 + 4 कितना हो गया, 68, ठीक है, 68 ग्राम। टोटल मैस रिएक्टेंट्स का क्या बन रहा है, 68, यानी अजम्पशंस के अंदर पढ़ा था ना कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर क्या है, 64 + 4 68 ग्राम रिएक्टेंट्स हैं, तो पानी भी यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 68 ग्राम 68 ग्राम्स बनना चाहिए, लेकिन पानी हमारे पास बन रहा है 36 ग्राम्स। वो इस वजह से कि इन दोनों में से एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो क्या कर रहा है, जल्दी कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और जो पहले कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो डेफिनेशंस पड़ी हैं सारी की सारी इसके अंदर अप्लाई हो रही हैं। प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, लीस्ट अमाउंट का प्रोडक्ट दे रहा है, और उसके बाद फर्स्ट यानी जल्दी पहले कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रिएक्टेंट होता ही नहीं है। दूसरा रिएक्टेंट जितना मर्जी अमाउंट में हो रिएक्शन नहीं हो सकेगा। यहाँ पर हमने देख लिया 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है, यानी 2 मोल्स हाइड्रोजन के यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ से देख लें हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं आपके पास, 2 मोल्स ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं आपके पास, यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन का है। इसका मतलब कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है। समझ आ गई बात की, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन जितनी मर्जी मिकदार में आपके पास हो रिएक्शन नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो क्लियर। उसके बाद एक्सेस बर्निंग ऑफ कोल अकर्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने आपको अभी लकड़ी वाली एग्जांपल दी थी, कोल लकड़ी होती है, कोयला, ठीक है। तो कोल को जलाने का अमल एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो कोल हमारे पास सिंपल सी बात है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि कोयला ही ख़त्म होना है, ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं हो सकनी है। तो कोयला इज द, कोल इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसकी एप्लीकेशंस, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की क्या एप्लीकेशंस हैं ये हमने देखनी है। इनको हम क्यों अप्लाई करते हैं, किस वजह से अप्लाई करते हैं, टू कम्प्लीटली कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। सबसे पहली बात कि हमारे पास बाज़ अवकात ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो कि ज़्यादा महंगा है, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा महंगे वाला रिएक्टेंट जो है ये ज़ाया ना हो, ये जितनी मकदार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारा का सारा क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए और प्रोडक्ट बना दे। फ़र्ज़ कर लें ये जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन महंगी है, ऑक्सीजन सस्ती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन सस्ती है, ये बच भी जाए तो कोई मसला नहीं होगा, तो हम इसको कम मकदार में डाल देंगे, ऑक्सीजन को ज़्यादा मकदार में डाल देंगे। तो हो सकता है इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारी के सारे ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में हैं और उसके साथ रिएक्शन करके आपके पास प्रोडक्ट बना देंगे। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, इस वजह से भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू स्पीड अप द रिएक्शन,
रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए किस तरह से कि आपके पास एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, दूसरा लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। तो जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम अमाउंट वाले रिएक्शन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन स्पीड अप होगा, प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बन जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम मालूम कैसे कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन की मदद से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम कर सकते हैं। अभी यहां तो मैंने आपको बता दिया ना कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन असल में हमें एक इक्वेशन दे दी जाए, हमें कहा जाए कि ये इक्वेशन है, ये इनके मास हैं, ये इनके मोल्स हैं, आप बताएं इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो उसके लिए तीन स्टेप्स हैं, ये तीन स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत आगे आपको काम देंगे, शॉर्ट डिस्टेंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट यानी हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम गिवन मैस, दिए गए मैस से। यानी ये एक इक्वेशन है, इनमें से दोनों रिएक्टेंट्स के आपको मैस दिए जाएंगे, इन मैस की मदद से आपने दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं। पहला प्रोसेस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट्स केमिकल इक्वेशन के अंदर या रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं उनके दिए गए मैस की मदद से, क्लियर। दूसरे नंबर पर Using balanced chemical equation, balanced chemical equation का इस्तेमाल करना है और amount of product expected to form, expect मतलब मुतवक्के, ठीक है, यानी हम जिसकी उम्मीद लगाई हुई थी, फ्रॉम ईच रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड। यानी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, ये कम अमाउंट में, ये ज्यादा अमाउंट में, तो जाहिर है ये जितनी अमाउंट में है तो ये कितनी प्रोडक्ट बना सकता है, ये जितनी अमाउंट में है ये कितनी प्रोडक्ट बना सकता है, ये चीज़ हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से मालूम कर लेनी है, ठीक है। एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे कि ये कैसे मालूम कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कितनी बननी है, एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्टेड कितनी प्रोडक्ट, कितनी मुतवक्के प्रोडक्ट है हर रिएक्टेंट से वो कैलकुलेट कर लेनी है आपने, समझ आ गए। यानी केमिकल रिएक्शन यानी पानी, वही अगेन पानी और लीमू वाली एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। लीमू आपके पास एक पाव है, आधा किलो चीनी है, ठीक है, और एक चम्मच नमक है और एक ड्रम पानी है। अब पानी को देख के क्या लगता है कि कितनी शिकंजी बन सकेगी, अगर सिर्फ आप पानी को देखें कितनी शिकंजी बन सकेगी, पानी एक ड्रम है तो सिंपल सी बात है कि ये एक ड्रम शिकंजी बनाने की कैपेसिटी रखता है, यानी इससे हम एक ड्रम शिकंजी बना सकते हैं। आधा किलो चीनी है, आधा किलो चीनी क्या कहती है, एक ड्रम शिकंजी बन पाएगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। आधा किलो चीनी ये कहती है कि आप हो सकता है 3 लीटर 4 लीटर शिकंजी बना लें, इसके अलावा ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे, समझ आ गए। एक पाव लीमू क्या कहते हैं आपको कि जी 3 लीटर शिकंजी बन सकेगी, इससे ज़्यादा नहीं बन सकेगी, अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक चम्मच लीमू क्या कहता है जी बिल्कुल 3 लीटर शिकंजी बन सकती है, समझ आ गए। तो हर रिएक्टेंट जितनी भी अमाउंट में मौजूद है आपने ये मालूम करना है कि ये वाला रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट बना सकता है, ये वाला रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट बना सकता है, ये वाला रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट आपके पास बना सकता है। यहाँ तक काम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आखिरी स्टेप जो है, आपने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो बिल्कुल थोड़ी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, तो वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आपने जस्ट देखना है उसको, द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो थोड़ी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा आपका वो कहलाएगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बुक से अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।